हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आंसर्स। ओके, मोबाइल स्टेबल पे हो गया है तो अपना आंसर स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ा था मालूम है क्या? मार्केट डिमांड पढ़ा था आज। चलो, मार्केट डिमांड का मतलब होता है, मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ कॉमोडिटी फ्रॉम ऑल कंज्यूमर, मतलब सबका, मार्केट में सबका, आपके पेरेंट्स मतलब आपके घर वाले, आपके दोस्त वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके यूट्यूब वाले, आपके फेसबुक वाले, सब लोग खरीदते हैं ना, सबको ऐड करेंगे तो मार्केट डिमांड मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को? मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर कॉमोडिटी फ्रॉम ऑल कंज्यूमर एट ए गिवन पीरियड और गिवन प्राइस, है ना। तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर मतलब टेबल है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी विद डिफरेंट प्राइस, ऐसा डाल देने के डिफरेंट क्वांटिटी एंड प्राइस। तो ये टेबल बहुत ज़रूरी है। तो टेबल में प्राइस डाल दो, 10, 8, 6, 4, 2 उल्टा डाल दो ना, 2 का टेबल, राइट। अभी एक कंज्यूमर है, ABC, तो कुछ भी नंबर डाल दो, इधर नंबर याद मत करो, कुछ भी डाल दो, इधर इधर 5 का टेबल डालो, इधर 6 का टेबल डालो, इधर 7 का टेबल डालो, राइट। अभी इधर क्या? मार्केट डिमांड। मार्केट मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। ये तीनों को ऐड कर दो ना, ये आ जाएगा ना यार 5, 10, 15, 15, 15, 30, इसको उसको ऐड करके ये आ जाएगा, तीनों को ऐड करके ये आ जाएगा, तीनों को ऐड करके आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। फिर इसको क्या किया लोगों ने, प्लॉट किया। तो डायग्राम क्या बनाने का? सिंपली बना देने का, राइट। इधर प्राइस आएगा, इधर डिमांड आएगा, और डिमांड एक डाउनवर्ड लाइन मार देना। क्या मार देना? डाउनवर्ड, ऐसा लाइन मार देना। ये टेबल रहेगा, ये डायग्राम बना देना, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं इसको? डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड का क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, पूरा मार्केट का ये टोटल होता है, राइट। तो टेबल बना देने का, राइट। तो लिखना कैसा है? 4 लाइन मीनिंग डाला, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद दी फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। टेबल बना दिया, सबको ऐड करना है और एक डायग्राम बना देने का, तो ये हो गया तुम्हारा मार्केट डिमांड। क्या हो गया तुम्हारा? सबका डिमांड ऐड करना। ओके, ये होता है मार्केट। देखो ना, सबको ऐड कर रहे हैं ना यार, ये इंडिविजुअल डिमांड है क्या? ये पर्टिकुलर, इधर देखो ना कितने सारे लोग हैं, तो सबको ऐड करेंगे मार्केट मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। फोटो देख के भी सीख सकते हैं आप लोग। अभी इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। अ मतलब एक होता है, अ मतलब डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल में बताया है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज अ कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रिपेयर टू बाय एट ए गिवन प्राइस। तो ऐसा डाल देंगे, 2 का टेबल डाल देंगे और एक ही नंबर डालेंगे। देखो ना, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, जब प्राइस 10 था तो एक ने डिमांड किया, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा, है ना। और फिर इसको क्या करते हैं? डायरेक्ट प्लॉट कर दिया। तो ये एक का है, किसका है? एक का। तो ये हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या हो गया तुम्हारा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मतलब पर्टिकुलर एक का हम लोग डिमांड देख रहे हैं। और मार्केट डिमांड मतलब सब इंडिविजुअल का डिमांड को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये दो टॉपिक तुमको पढ़ने का है। क्या पढ़ने का है? तो ये चैप्टर में क्या क्या पढ़े तुमने, पूरा प्लेलिस्ट चेक कर देना। इंडिविजुअल डिमांड को पढ़ना है, इंडिविजुअल के बाद क्या पढ़ना है? मार्केट डिमांड पर पढ़ना है, फिर टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के फैक्टर्स पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, ओके। और उसके बाद तुमको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ डिमांड। ये सब आंसर्स पढ़ना है, पूरे प्लेलिस्ट में अच्छे से मैंने समझा दिया हूँ, आप लोग चेक कर लेना, राइट। और गिफेन पैराडॉक्स इसको अच्छे से मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एकदम अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।